मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। 2.3 में अपन सीखेंगे मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शंस का। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट अपन ले रहे हैं 9/5 × 45। हाउ टू मल्टीप्लाई टू और मोर फ्रैक्शंस। तो आपको दिख रहा है फ्रैक्शंस है, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, नीचे कुछ नहीं तो वन लगा सकते हैं। ओके तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिनोमीटर और न्यूमीटर आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। 9 की टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में 45 आता है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो इजीली हम क्या कर लिख सकते हैं, 9 × 9, क्लियर। 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81 आंसर, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, थर्ड 4/12 × 108। अब हमें अगर 12 की टेबल आती है तो हम 108 को डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर आपको 12 की टेबल से भी नहीं हो रहा कट, तो 4 की टेबल तो आती है, 4 की टेबल से आप कट कर सकते हो 12 को 3 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, 108/3। अब 3 से भी कट कर सकते हैं इसको, 3 × 3 = 9, 1 carry and 6, 3 × 6 = 18, 36 इज द आंसर, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो। 12 की टेबल अगर आपको आती है तो 12 × 9 = 108, 9 × 4 आंसर इज 36, क्लियर। तो आप 4 से कट करो या 12 से डायरेक्ट कट कर दो, किसी तरह से कर सकते आंसर सेम आएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, फाइंड द फॉलोइंग मीन्स 6/10 ऑफ 90। अब ऑफ लिख करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सेम वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अपन करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 × 9 कर सकते हैं, 54 इज द आंसर, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप प्रैक्टिस में करना है, बाकी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं, 3 का फर्स्ट, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। 11/2 × 4/10। अब अपन को क्या कट करना है, ऊपर नीचे को 11 की टेबल से कुछ कट नहीं रहा, 2 की टेबल से 4 कट रहा है, 2 टाइम्स, 2 × 22/10। 2 से आप कट कर सकते हो, यहीं अपन इसको कर सकते हैं, 11 × 2/10। बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 की टेबल से 10 कट रहा है 5 टाइम्स, 11/5 आंसर। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 4, मोर देन 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, मोर देन 2 फ्रैक्शंस है, 2/5 है, मल्टीप्लाई 6/11, मल्टीप्लाई 15/18, क्लियर। तो यहाँ भी सेम वही करना है, ऊपर डिनोमीटर और न्यूमीटर को देखना है कौन किससे कट हो रहा है। 5 से कट कर सकते हैं 15 को 3 टाइम्स, 6 से कट कर सकते हैं 18 को 3 टाइम्स, अगेन 3 से 3 वापस क्या हो रहा है, कट हो रहा है, बचा क्या, 2/11 इज द आंसर, क्लियर। तो वन लाइन में आंसर अपन ने निकाल लिया, बस हमें कट करना आना चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो भी नंबर कट रहा है उसको अलग से लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। चाहे तो आप 2 बार कट कर लो, पहले सिंगल कट, फिर नेक्स्ट उसी को एज इट इज़ लिखो, फिर दोबारा काट के उसको आंसर को लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बट यहाँ सारा कटेंगे तो कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं, (2/17 × 7/9 × 1/33
52। मिक्स फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, पहले सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 17 2 34, 36 टू प्लस कर देंगे अपॉन 17, 7 9 36 63, 63 और 2 65, 65 अपॉन 9, 1 into 52, 52, 52 प्लस 35, 85 अपॉन 52। भाई 52 मल्टीप्लाई 1 52 52 प्लस 33 85 अपॉन 52। अब यहाँ इसको सोल्व करो, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 17 के टेबल में 85 आता है कितने टाइम्स, आई थिंक 5 टाइम्स, 17 5 85, 9 4 36 एंड 13 की टेबल में आ रहा है। इसको वापस लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, वही मैं चीज़ बोल रहा था आपसे, ज़्यादा नंबर्स कट हो रहे हैं तो उसको रिपीट करके नीचे लिख लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्लियर। एक ही जगह पर सभी काट देंगे ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर बचा कौन सा अपन ने काट दिया। तो कट करने के बाद जहीं आपको लगे उसको दोबारा नीचे लिख लो एज इट इज़, क्लियर। अब अपन को दिख रहा है कुछ कट रहा है यहाँ से, 13 की टेबल मुझे आती है, 13 की टेबल से मैं काट सकता हूँ 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ठीक है। अगर 13 की टेबल नहीं आता तो 2 से भी काट सकते हो आप। नेक्स्ट क्या कट रहा है, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 5 5 25। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ बन सकता है, अगर आप कैंसिल कर रहे हो डायरेक्टली तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप एक बार कट करो उस नंबर, वापस एज इट इज़ नंबर लिखो, फिर कट करो, जो बचे हैं नंबर्स उनको दोबारा लिखो, फिर कट करो, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लिख करके आप इजीली कर सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आंसर आपका हम करेक्ट आएगा, 100% करेक्ट आएगा। हो सकता है कन्फ्यूज़न की वजह से कोई नंबर आपने कट कर दिया, लिखा नहीं और गलत आंसर गलत आ गया, वहाँ गलत होने के चांसेस हैं, बट ठीक से कर लिखेंगे तो आंसर सही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीप्लाई अपन ने सीख लिया, अब सीखते हैं अपन डिवाइड, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना।